मैं हूँ पल्लवी और पल्लवी कुकिंग रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। मैं पल्लवी आज आपके लिए लेकर आई हूँ पानी पूरी आइसक्रीम, वो भी कच्ची कैरी फ्लेवर में। YouTube पे आप पहली बार देखेंगे कच्ची कैरी फ्लेवर में पानी पूरी आइसक्रीम। ये मेरी अपनी खुद की बनाई रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं रेसिपी कैसे बनाते हैं। आप सोच रहे होगे पानी पूरी है? नहीं भाई, ये पानी पूरी नहीं है, ये गोलगप्पे में आइसक्रीम डला हुआ है, पानी पूरी आइसक्रीम। लिया है फुल फैट दूध, हमें फुल फैट दूध लेना है, उबला हुआ दूध नहीं लेना है। अगर आप उबला हुआ दूध लोगे तो जो क्रीम है क्रीम में आइस क्रिस्टल्स जम जाएंगे, इसलिए फुल फैट दूध लेना है आधा लीटर। ये ले लिया है, ये स्पून के मेजरमेंट से, इसी ये स्पून के मेजरमेंट से 1/4 टीस्पून लिया है CMS पाउडर। ये है GMS पाउडर, ये स्पून के मेजरमेंट से हमें लेना है एक, ये दो, तीन और ये चार। इस तरह से ये चार स्पून भर के ले लेनी है CMS पाउडर। और इसी स्पून की मेजरमेंट से सेम इसी यही मेजरमेंट है चार स्पून का ले लेनी है कॉर्नफ्लोर पाउडर। ये दूध ले लिया है आधा लीटर, इसी दूध में हमें डालना है कॉर्नफ्लोर पाउडर। ये डालनी है 1/4 टीस्पून CMS पाउडर। अभी GMS पाउडर हमें लेनी है, ये स्पून का मेजरमेंट है, इस तरह से भरकर ए एक। दो, तीन और ये चार, ये डाल दिए हमने ये GMS पाउडर कॉर्नफ्लोर पाउडर CMS पाउडर और GMS पाउडर, ये हमने इसमें डाल दिया। अब हम डालेंगे इसके अंदर शुगर, और ये स्पून के मेजरमेंट से, ये स्पून आपको 20-50 रुपीज़ में आराम से मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। जहाँ से आप केक का सामान लाते हो, आइसक्रीम का सामान लाते हो, वहाँ आपको ये इजीली मिल जाएंगे। इसे कर देना है पूरा मिक्स, और स्लो फ्लेम हाई फ्लेम पर हमें इसे चलाना है गैस के ऊपर। ये एक कटोरी भर के हमें लेनी है आधा लीटर दूध को, ये एक कटोरी है, एक कटोरी शुगर हमें लेनी है, ना ही ज्यादा मीठा करना है और ना ही ज्यादा बस। ये मिक्स हो चुके हैं सारे पाउडर, इसे हाई फ्लेम पर हमने कर दिया है और इसे हिलाते रहना है। जैसे ही इसको एक बॉइल आ जाए तो आप गैस की फ्लेम कर देना है बंद। इसे हिलाते रहना है ताकि जो पाउडर्स हैं हमारे कॉर्नफ्लोर पाउडर CMS पाउडर GMS पाउडर वो नीचे ना लगे, इसलिए हमें इसे हिलाते रहना है एक बॉइल आने तक। आप देख रहे हो दूध को उबाल आ चुका है, अब ये दूध हमारा उबल के तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम हम कर देंगे बंद, इसे जब तक ऊपर ना आए तब तक हमें इसे हिलाते रहना है। अभी हमें इसे ठंडा होने तक करना है वेट, और जैसे ही ये ठंडा हो जाए हम इसे सेट करने के लिए रखेंगे फ्रीजर में। इसे ठंडा होने तक आप हिला सकते हो इस तरह से, इस तरह से इसे हिलाते रहना है। ये जो बैटर है पूरा ठंडा हो चुका है, अब हम रखेंगे इसे, डालेंगे इसे प्लास्टिक के डब्बे में सेट होने के लिए।
ये हमने डाल दिया है एयर टाइट कंटेनर में। आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हो और उसमें सेट होने के लिए इसे रख सकते हो। इसके ऊपर हम लगा देंगे इस तरह से। ये पेपर हमें लगा देना है। ये पॉलीथीन मैंने लगाई है, आप फूड रैप की जो पॉलीथीन आती है उस वो भी लगा सकते हो। और इसका ढक्कन हम कर देंगे बंद और इसे फ्रीजर में रखेंगे 8 से 9 घंटे तक सेट होने के लिए। यह आइसक्रीम हमने सेट होने के लिए रखा था, यह अभी सेट हो चुका है। अब हम इसे फेटेंगे बीटर से। हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी आइसक्रीम। तो ये पानी पूरी का मसाला ले लिया है, एवरेज पानी पूरी मसाला, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया, ये सब मैंने मिक्सी में से निकाल के उसकी पेस्ट बना ली है। इसका वीडियो मैंने इससे पहले आपके साथ शेयर किया हुआ है, पानी पूरी का पानी कैसे बनाना है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो ये मसाला कैसे बनाना है। ये डाल देंगे हम पूरा इसके अंदर। ये मैंने कच्ची कैरी का इमल्शन ले लिया है, इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए। हम इमली इसमें नहीं डाल सकते तो हम इसमें कच्ची कैरी का फ्लेवर डालेंगे और उसे बीटर से फेंट लेंगे। 4 से 5 बूंद डालना है हमें इसे बस। ये बीटर से हमने पूरा फेंट लिया है। अब हम इसे फिर से रखेंगे सेट होने के लिए 8 से 9 घंटे तक। ये बहुत ही प्यारा सा क्रीमी सा पानी पूरी आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे फिलअप करेंगे गोलगप्पे के अंदर इस तरह से। ये पानी पूरी आइसक्रीम है तो हम इसे फिलअप करेंगे गोलगप्पे के अंदर। ये बहुत ही क्रीमी सा बना है गाइज, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। आप इसे बना के ज़रूर देखना और बनने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी बनी है। यूट्यूब पर आप पहली बार देखेंगे पानी पूरी आइसक्रीम, वो भी कैरी फ्लेवर में। ये मेरी अपनी खुद की बनाई हुई रेसिपी है, आपको यूट्यूब पर ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल है मेरा, अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है लाल कलर का, बस आपको उसे प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पानी पूरी आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुका है।